खबर रीवा जिले से है, जहां सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के तराई अंचल के अतरेला रामगढ़वा में अमर शहीद महामानव बिरसा मुंडा गांधी चौपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित गांधी चौपाल में मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हंसराज कोल, चंद्रमणि सिंह, जवाहर राम नारायण सिंह, बृहस्पति देव सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़वा रहे। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर नमन किया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों का आयोजनकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। स्वागत उपरांत मौजूद सभी अतिथियों ने अपने अपने संबोधन दिए, साथ ही बिरसा मुंडा की जीवनी पर भी प्रकाश डाला। कांग्रेस कमेटी रीवा के कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश सिंह ने संबोधित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि 25 साल से भी कम उम्र का जीवन जीने वाले भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ जनजातीय समुदायों को लाम बंद करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उमेश सिंह, जमुना यादव सहित गांव के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कौनो व्यक्ति हो, वह अमर हो के नहीं आवे। और बिरसा मुंडा जी तो 25 साल में चले हैं, लेकिन एक जौन विचारधीन, एक जौन संघर्ष के विचारधीन और अपने समाज में जौन एक चेतना पैदा करें, वह चेतना के असर आए कि आज इतने दिनों बाद बिरसा मुंडा जी का जगह जगह याद किन जा रहा है, जगह जगह उनके कार्यन का याद किन जा रहा है, या कौनो महापुरुष के प्रेरणा और प्रयास होत है। निश्चित रूप से आज जौन यह कार्यक्रम था, ऐसे हमारे आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा जी के विचारन का आगे ले जाए के लाने अपना सब लोग और ज्यादा सजग हो, और साथ साथ महात्मा गांधी जी के जो विचार रहे वो विचारों का अपना पंचे आगे लेके जाप, यह हम इनके अपने साथियों से उम्मीद करी थे। और अपने ओर से हमारे जो युवा साथी आज यह कार्यक्रम के आयोजन करीन ओके लाने उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करी थे। निश्चित रूप से एक अच्छा आयोजन करें, अच्छा प्रयास करें, एक शुरुआत करें। और हम यह अवसर पर एक बात कहे चाहिए थे कि अपना पंचन के हर संघर्ष में, हर लड़ाई में हमहू का आज कई एक वर्ष, लगभग 15 वर्ष अपना के तराई क्षेत्र में कार्य करत हुए होगा। और अपना के हर संघर्ष में, हर लड़ाई में हम अपना पंचन के साथ खड़े रहा, यह निवेदन के साथ धन्यवाद। जय हिंद।